नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, हरियाणा, भिवानी नर्सरी। और आज हमारे यहाँ पे अमरूद की ग्राफ्टिंग है वो हो रही है। तो अमरूद की ग्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से कलम लेते हैं, कौन से पौधे से कलम लेते हैं, कब करनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो जो सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट होती है अमरूद की ग्राफ्टिंग के लिए, वो होती है देसी अमरूद की जरूरत होती है। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है हमारा, ये जो देसी अमरूद है हमारा, ये देसी अमरूद है जो हमने तैयार करके और इस पर ग्राफ्टिंग जो है हम करेंगे। तो इसके बाद में आपको दिखा दूं, इस तरीके से जो है वो अमरूद की कटिंग होती है, इस तरीके से अमरूद की है वो कटिंग होती है जो आपको दिखाई दे रहा है। देसी अमरूद की कटिंग इस तरीके से होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम ऊपर से करीबन इसको हम इतना ऊपर से है वो काट लेंगे, करीबन करीबन ये मान सकते हैं हम, एक बिलांत बोलते हैं इसको, यानी कि 8 से 10 इंच हाइट के ऊपर से हम इसको है वो काट लेंगे। इसको काटने के बाद हमें एक अच्छे तेज धार कटर, एक अच्छा चक्कू की जरूरत होती है। और उसके बाद में हमें जो कलम चाहिए, जो इसके ऊपर जो बांध रखी है हमने, इसके आप पूरा प्रोसेस दिखाएं आपको, ये जो बांध रखी है ऊपर से ये चाहिए। इसके बाद में हमें कैप चाहिए जो इसके ऊपर डाल दी जाती है, सबका काम बताएंगे, सबकी जानकारी आपको है वो देंगे। तो सबसे पहले मैंने बता दिया आपको देसी अमरूद चाहिए। देखिए इस तरीके से जो हमारी कलम है वो उठ रही है, हमारे मदर प्लांट है उनसे, ये देखिए आप इस तरीके से वो कलम उठ रही है। ये हमारे हिसार सफेदा हम जो अमरूद के पौधे हैं, इनसे जो कलम है वो उठ रही है इस तरीके से जो है उठ के, फिर इनके पत्ते झाड़ के और फिर ग्राफ्टिंग होगी। ये हमारा जो फार्म हाउस है, नेट हाउस है, इसी के अंदर जो है ग्राफ्टिंग हो रही है। ये हमारे जो मदर ब्लॉक हैं, हमारी नर्सरी पे जो लगे हुए मदर ब्लॉक हैं, ये देखिए पूरा हमारा नेट हाउस का शेड है, इसके अंदर हमारी ग्राफ्टिंग है जो पौधे हैं वो तैयार होते हैं। तो इस तरीके से कलम उठ, फ्रूट भी देख सकते हो आप इन पे, जो फ्रूट भी वो लगा हुआ है, जहाँ से हमने जिन पौधों से हम कलम उठा रहे हैं उन पे फ्रूट भी है वो लगा हुआ है। देखिए इस तरीके से, और पौधे की कटिंग भी इस तरीके से करनी है हमें, इस तरीके से हमें जो है वो कटिंग करनी है पौधे की। आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से जो है वो कटिंग करनी है, ये भी आप देख सकते हैं इसमें। इस तरीके से हमें पौधे को इतना छोड़ देना है ताकि नया फुटाव लेके और अच्छा जो ग्रोथ है वो करेगा। तो इस तरीके से जो पौधे हैं उनसे कलम उठानी है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पौधे हैं, इन पौधों से जो आपको कलम है काट के, और इस तरीके से जो हमारा मदर ब्लॉक है, ये इधर हमारा फार्म हाउस है जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हमने पौधों से कलम ले ली है जो हमारे मदर प्लांट है। उसके बाद में ये डंडियां निकल जाती हैं, इस तरीके से ये डंडियां हैं ये निकल जाती हैं, और इन डंडियों से फिर हम जो हमारी वैरायटी है, जिस भी वैरायटी का आपको ग्राफ्टिंग करनी है, तो ये हमारा हिसार सफेदा वैरायटी का जो पौधा है उसकी कलम है। इसके ऊपर 4 आँखें होनी जरूरी है, 1 2 3 4, ये आपको दिखाई दे रहा होगा नजदीक से, यानी कि 4 जो है पत्ते के निकलने की जो है वो होनी चाहिए। प्रत्येक पौधे कलम पे आपको यही मिलेगी, 4 से 5 है निकलनी चाहिए। ये करीबन 6 इंच की जो है वो ब्रांच होती है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है 6 इंच की जो टहनी है होती है। इस तरीके से जो कटिंग होके इसको हम रख लेंगे और पूरा दिन फिर ये होगा, जितनी जो ताजा ग्राफ्टिंग के लिए कलम होंगी रिजल्ट में आपको उतना फर्क रहेगा, यानी कि उतना आपका जो सर्वाइव रेशियो है वो ज्यादा रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से जो हमारी जो ग्राफ्टिंग के लिए टेप होती है, ग्राफ्टिंग टेप भी बोलते हैं, जिससे हम इसको बांधते हैं, यानी कि जो कलम है उसको बांधते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये टेप है इसको हम बांधेंगे। इधर आपको दिखाई दे रहा है ये देसी अमरूद की कटिंग है वो हो रही है, ये देसी अमरूद की है जो कटिंग है वो हो रही है इस तरीके से। इस तरीके से ऊपर से हम सारे अमरूद को ऊपर से हेडर कट कर लेंगे, हेडर कट करने के बाद फिर हम इस पे जो ग्राफ्टिंग का काम है वो शुरू करेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से जो है इसको छील के अच्छे तरीके से और इसको हम बांध देंगे। और उसके बाद में तो इस तरीके से ये है जो इसको बांध दिया हमने, ऊपर से ग्राफ्ट कर दिया है, और ग्राफ्ट करने के बाद इसको हम जो कैप है वो पहना देंगे, और कैप पर आने के बाद इसमें मॉइस्चर सा है वो क्रिएट हो जाएगा। आपको दिखाऊंगा मैं मॉइस्चर किस तरीके से जो है क्रिएट हो जाएगा, और ये करीबन करीबन 1 महीना के अंदर है वो फुटाव लेना है वो शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे जो ग्राफ्टिंग है वो हिसार सफेद अमरूद की है, वो चल रही है पूरे फार्म पे, और ये हमारा फेज 1 है। फेज 2 में भी हमारी जो है वो ग्राफ्टिंग चल रही है। हो गया आज का काम नक्की। देखिए इस तरीके से जो है अमरूद की ग्राफ्टिंग है, जो हिसार सफेदा वैरायटी है हमारी, उसकी ग्राफ्टिंग हो रही है।
तो अगर आपको जेनुइन में हिसार सफेदा पौधा चाहिए, ग्राफ्ट का तरीका पता करना है या और कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारी नर्सरी ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी गांव मंडान तहसील तोसाम जिला भिवानी हरियाणा जो हमारी नर्सरी मेन बस स्टैंड टावर के सामने बिल्कुल हमारी नर्सरी है, वहां पे आके संपर्क कर सकते हैं। काफी मात्रा में जो हिसार सफेदा वैरायटी के पौधे हैं वो हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा लंबी दूरी तक। और ये तो हमारा सेट नंबर वन है, और सेट नंबर टू में भी लाखों की संख्या में जो हमने हिसार सफेदा तैयार कर रखा है उसकी वीडियो भी आपको है वो देखने मिलेगी। तो अगर आपको पौधे के बारे में और कोई जानकारी चाहिए या पौधों के संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारी नर्सरी ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी पर आके संपर्क कर सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी के पौधे चाहिए तो वो भी आप हमारे यहाँ से आके ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।